नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। मेरे यानी विनीता के साथ ये नजर डालते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों को। नए भवन में जाएंगे लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। पुराना संसद भवन अब इतिहास हो जाएगा, ऐसा इतिहास जो भारत के नव निर्माण का गवाह है। 1927 में यह इमारत बनकर तैयार हुई थी। इसका निर्माण अंग्रेजों ने प्रशासनिक भवन के तौर पर कराया था। उस वक्त इसके निर्माण पर 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। खास बात यह है कि उस समय 10 ग्राम सोना महज 18 रुपए में मिल जाता था। पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन को औपचारिक विदाई दे दी है। 18 सितंबर को संसद के विशेष सत्र के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से लेकर पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी तक का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि सदन ने देश को आगे बढ़ाने वाले फैसले लिए हैं। पीएम के संबोधन के साथ ही ये तय हो गया है कि दुनिया भर में नयाब आर्किटेक्चर का उदाहरण हमारी संसद का ऐतिहासिक भवन एक इतिहास हो जाएगा। ऐसा इतिहास जो ना जाने कितने ही ऐसे पलों का गवाह है जिससे भारत का नव निर्माण हुआ। दिल्ली के लुटियन जोन में यह इमारत 96 साल पहले 1927 में बनकर तैयार हुई थी। इसका निर्माण अंग्रेजों ने देश चलाने के लिए एक प्रशासनिक भवन के तौर पर कराया था। बाद में ये केंद्रीय असेंबली बनी। वही केंद्रीय असेंबली जिसमें हुए धमाके से अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिली। देश की आजादी के बाद यही असेंबली सांसद बनी और भारत की नई इबादत लिखी। देश की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। ब्रिटिश महाराज जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया। यहाँ ऐसी कोई इमारत नहीं थी जिससे देश का प्रशासनिक कामकाज हो सके। तय हुआ कि प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा। आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने दिल्ली को डिजाइन किया। 1921 में पुरानी संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ जो 1927 में पूरा हुआ। उस वक्त उस भवन को बनाने में तकरीबन 83 लाख रुपए खर्च किए गए थे। ये वे दौर था जब सोने की कीमत बेहद कम हुआ करती थी। टैक्स गुरु वेबसाइट के मुताबिक 1927 में 18.37 रुपए में 10 ग्राम सोना मिल जाया करता था। ECCIS चैम्बर की इकाई ECCIS मुजफ्फरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक अखिल भारतीय सराफा संघ गरीब संस्थान मुजफ्फरपुर में हुई, जिसकी अध्यक्षता संस्थापक महासचिव ओम गुप्ता ने की। महामंत्री सत्यनारायण प्रसाद और भी तमाम व्यवसायी अपनी अपनी बातों को व्यवसायों की समझ रखी। मुजफ्फरपुर व्यवसायियों की समस्या के साथ क्या क्या परेशानी है, इन सभी बातों को बताया गया, जिसमें GST, इनकम टैक्स, प्रो फाइनेंशियल टैक्स, बिजली की समस्या, जाम की समस्या, पानी की समस्याएं, जल जमाव की समस्या से मुजफ्फरपुर की व्यवसाय ही नहीं मुजफ्फरपुर की जनता भी काफी परेशान है। खासकर मुजफ्फरपुर के व्यवसायी के व्यवसायों पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है। चैम्बर की बैठक में प्रशासन को भी अवगत कराया गया। नए मेंबर सदस्यता नवीकरण, संस्था का कैलेंडर प्रकाशित किया गया, संस्था की कार्य की जानकारी दी गई। बैठक में स्थानीय व्यवसाय गुण उपस्थित रहे। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।